प्रधानाध्यापक का शायद से रूम है, और देखने के बाद लग रहा है कि ये शराब का अड्डा हो गया। क्या जरूरत है, यहाँ बैठा हूँ, एक कमाल के आधुनिक तरीके का सोफा है, बेंच लगाया गया है, लेकिन ये बेंच जो है देख रहे पुआल। इस रूम को गाय और बकरी को हगने और मुतने का जगह बना दिया गया है, जहाँ पे बच्चे को किताब देना है। यहाँ पे लाइट देख रहे हैं, बड़ा सा LED है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लाइटिंग आ रहा है। अभी हम लोग चंपारण के उस धरती पे हैं जो हमेशा से क्रांतिकारी रहा है, और मैं अभी जा रहा हूँ जो दिखाने ये राजकुमार शुक्ल जी का कॉलेज है, जहाँ पे इस कॉलेज का निर्माण इसलिए कराया गया कि जो भी यहाँ सतवरिया के बच्चे होंगे उनका भविष्य उज्जवल बनाया जाएगा। लेकिन आज के हमारे नेताओं के द्वारा इस तरीके से लूटा गया कि बच्चे का भविष्य इस अलमीरा में बंद कर दिया गया। अब ये जो अलमीरा है अभी कबाड़ खन्ना हो गया है, और इसी में यहाँ के बच्चों भविष्य बंद करके रखा गया है। लेकिन यहाँ के जो कॉलेज है उसका स्थिति दिखाने जा रहे हैं कि उस कॉलेज के अंदर के हालात क्या हैं। सामने ये प्रयोगशाला है, और प्रयोगशाला में जहां भी देख रहे हैं टाइल्स और मार्बल के साथ लगाया गया चेयर और सोफा इसमें दिख रहा होगा। जहां भी देखिए ये जो बड़ा सा यहाँ पे लाइट देख रहे हैं, बड़ा सा LED है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लाइटिंग आ रहा है। और ऊपर भी दिखाइए, नीचे हाफ ऊपर साफ है। क्या कहें इस कॉलेज के बारे में कि सतवरिया का भविष्य ही खराब हो गया। यहाँ के लोग भी रो रहे हैं, लेकिन आगे आइए इस रूम में भी दिखाते हैं। कमाल की बातें हैं कि ये भी एक प्रयोगशाला है, और भौतिक विज्ञान की बात करने जा रहे हैं। और देखिए अभी मैं जहां बैठा हूं, एक कमाल के आधुनिक तरीके का सोफा है, और सोफे पे बैठ के मैं आप लोगों को एक खबर दिखाने जा रहा हूं। आगे जो ये देख रहे हैं पूरे तरीके से बेंच लगाया गया है, लेकिन ये बेंच जो है देख रहे पुआल का है, मतलब इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब इसमें बच्चे नहीं पड़ रहे, गाय और भैंस का व्यवस्था बकरी का कर दिया गया है। आगे जहां भी देखेंगे, इस रूम में दिखा दीजिए, इस रूम में देखने के बाद लग रहा है कि इस रूम को गाय और बकरी को हगने और मुतने का जगह बना दिया गया है, जहां पे बच्चे को किताब देना चाहिए वहां पे गाय और भैंस के रखा गया है। आगे ये इस रूम की कहानी दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए ये भी है, ये प्रधानाध्यापक का शायद से रूम है, और ये जिधर भी देखिएगा पूरा खंडहर हो चुका है, ना खिड़की है ना जंगला है, पूरा टूटा फूटा है, और देखने के बाद लग रहा है कि ये शराब का अड्डा हो गया। क्या जरूरत है इस बोतल का, इस डिब्बे की, इस ग्लास की, तो इससे लग रहा है कि बिहार में शराबबंदी भी पूर्ण रूप से काम कही गया है। अब बताइए कि एक चंपारण का और जो क्रांतिकारी व्यक्ति थे उनके नाम पे बनाया गया है स्कूल, गाय और भैंस के हगने और मुतने का जगह बना दिया गया है। दिखाइए इधर, कमाल की बात यह है कि यहाँ पे बकरी और गाय रहती है, हगती है, मुकती है, अब बगर में यहाँ पे खाद बनाया जाता है उसी गोबर के रखकर, देख रहे हैं ना। ये है चंपारण की सच्चाई, और यही सच्चाई दिखाना जो है ना ये हमारे यहाँ गुनाहगार हो जा रहा है। अगर सच दिखाना गुनाह है तो हम हमेशा से गुनाह करते ही रहेंगे और रुकेंगे कभी नहीं, क्योंकि जहां पे बच्चे होना चाहिए वहां पे गाय और भैंस। देखिए यहाँ पे बड़ा सा ताला लगाया गया है, आयरन गेट है, लोहे का गेट है, आधुनिक तरीके से लगाया गया गेट है क्या, देखिए है कुछ नहीं, ताला बड़ा सा मारा गया है। और इधर देखिए क्या व्यवस्था किया गया, दिखाइए एक घर दिखिए, दिखने से यही हो रहा है कि यहाँ पे जो फूस का घर होता है हमारे यहाँ, उसको छानने का व्यवस्था किया गया है। यहाँ भी ताला मारा गया है, और इसके अंदर सुरक्षित तरीके से रखा गया है। इस रूम में भी आई, इसमें भी गेट, गेट तो गेट का तो नाम ही मत लीजिए, और खिड़की और इस स्कूल का कॉलेज का, इधर से घुसेंगे और इधर से निकल जाएंगे। देखिए ये भी रास्ता है, एक खिड़की है, लेकिन है कुछ नहीं। और इधर देखेंगे तो गाय और बकरी के मुतने हगने का जगह ये कॉलेज का अड्डा बन गया है। ये है हमारे बिहार की सच्चाई और कॉलेज की सच्चाई। इधर आइए, खूब बढ़िया से यहाँ पे तिरंगा झंडा बनाया गया है, दिखाइए बढ़िया से दिखाइए, बगल में एक फूल है, लेकिन बीच में दिल बनाकर DM लिखा गया है। अब बताइए इस दिल के बीच में DM लिखने का क्या जरूरत है, और वही व्यक्ति वही लड़का लिख सकता है जिसका दिल शायद से टूटा गया हो, और शायद इस ब्लैक बोर्ड पे दिल बना के DM लिख दिया हो। नाम नहीं लेंगे, पता नहीं क्या नाम हो सकता है, लेकिन दिल टूटा है तभी ये लिखा गया है। आगे आइए, आगे की सच्चाई दिखाने वाले हैं, गाय और भैंस के हगने और मुतने वाला है कॉलेज की सच्चाई। ये देखिए ये भी एक गेट है, और इसमें ताला देखिए कितना मारा गया है, 1 2 3 ताला मारा गया है। है कुछ नहीं, हो सकता है इसके अंदर कीमती सामान हो, लेकिन कीमती सामान आपको दिखा देना चाहता हूं कि इसमें दिखाइए एल्बेस्टर रखा गया और पत्ता रखा गया है, वो भी कबाड़ हो गया है। दिखाइए आराम से दिखाइएगा तो दिख जाएगा, शायद अंधेरा है इसलिए आप लोगों को नहीं दिख रहा है।
ये है राजकुमार शुक्ल कॉलेज की सच्चाई। और एरिया देखिए बहुत बड़ा सा एरिया है, बहुत जितना दिखाएंगे कैमरा में आपको नजर जा रहा होगा उतना ही कम है। पूरा स्कूल उन्हीं का है, पूरा का पूरा, लेकिन फिर भी ये स्कूल जंजर हो गया है। सारा चीज कीमती है, फिर भी स्कूल को सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया, दो दो यहाँ पे प्रधानाध्यापक रहते हुए। अब बताइए क्या नहीं दिखाएंगे, इस कॉलेज की यही सच्चाई है। बाकी राजकुमार शुक्ल कॉलेज से मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।